नीमच जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना के अंतर्गत आज 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। गरीब परिवार के कन्याओं का विवाह भी धूमधाम से संपन्न हो सके, कोई बेटी को बोझ ना समझे, इसी हेतु शासन द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना और कन्यादान योजना, इस प्रकार की कई योजनाएं सुचारू रूप से चालू है। इसी कड़ी में आज भी 8 हिंदू जोड़े विवाह संबंध में बंधे, वहीं 3 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह कबूल किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 55,000 रुपए एक जोड़े को कन्यादान के रूप में, गृहस्थी का सामान और 11,000 नगद रुपए दिए जाते हैं। शासन द्वारा चलाई गई इस पहल के कारण गरीब बेटियों का विवाह आसानी पूर्वक हो सकता है। विवाह उपलक्ष्य में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जनपद अध्यक्ष शारदा मदन लाल धनगर, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, एडिशनल कलेक्टर नेहा मीणा, एडिशनल SP सुंदर सिंह कनेश और सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। ये कर्म है, मनुष्य को हमेशा कर्म करना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 230 विधायकों को कहा कि विकास यात्राएं निकाले। हमने कल विकास यात्रा का शानदार समापन नीमच की धरती पर किया। आज 26 तारीख को हम बेटियों का विवाह कराने में उपस्थित हैं। यहाँ 8 हिंदू बेटियों का गायत्री मंत्र द्वारा मंत्रोच्चारण करके अग्नि को साक्षी रखकर फेरे हो रहे हैं। भगवान राम ने भी सामूहिक विवाह में विवाह किया था। ये सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटी का विवाह हो रहा। उधर 3 मौलवी जी 3 बेटों का ए बेटियों का निकाह पढ़कर और विवाह संपन्न कर रहे हैं। ये एक अद्भुत दृश्य है नीमच की धरती पर। एक तरफ मंत्रोच्चारण हो रहा है, एक तरफ कलमा पढ़ा जा रहा है और बेटी का विवाह हो रहा है। 55,000 रुपये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में खर्च किए हैं एक बेटी के लिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और हम देखते हैं कि बेटी से जन्म से लेकर परण तक उनकी सारी व्यवस्था है, शिक्षा की भी व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है। तो ये अवसर बहुत कम आते हैं जब अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि सब बेटी को आशीर्वाद देने आते हैं और मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना में यह अवसर आया है। उत्साह है सबके चेहरों पर और खुशहाली इनके जीवन में आए, यही हम कामना करते हैं। नीमच से पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।